अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका और आप आपके चैनल पर 6 महीने से कोई भी वीडियो पोस्ट आप नहीं कर रहे हो या फिर कोई भी कम्युनिटी पोस्ट आप नहीं कर रहे हो तो आपका चैनल कभी भी डीमोनेटाइज हो सकता है। जी हाँ, YouTube की तरफ से ऐसा ही कुछ मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लेकर अपडेट आए हैं जो मैं आपको हिंदी में डिटेल समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पर प्रेस करके रखिए। ऐसा ही यूट्यूब रिलेटेड वीडियो हमेशा के लिए इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लेकर YouTube की तरफ से 2 अपडेट आए हैं जो मैं आपको हिंदी में समझने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट जो अपडेट है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका, यानी आप आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम पूरा कर लिया और आप आपके चैनल पर जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है आपने एक्टिव कर लिया, तो आप इस टाइम मान लीजिए मोनेटाइजेशन होने के बाद अगर आप आपके चैनल पर इनएक्टिव हो गए हो 6 महीने से, यानी 6 महीने से आप कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हो या फिर कोई भी कम्युनिटी पोस्ट आप नहीं कर रहे हो, तो YouTube ये कह रहे हैं कि आपको इनएक्टिव होने के कारण 6 महीने से आपका YouTube से जो मोनेटाइजेशन हो चुका था आपका चैनल, वो कभी भी आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। जी हाँ, आपका चैनल डीमोनेटाइजेशन अगर हो जाएगा तो फिर से दोबारा आपको अपील करना होगा, जैसे पहली बार आपने किए थे वैसे ही सेम टू सेम आपको करना होगा, फिर आपको अपील करना है, फिर आपका चैनल मोनेटाइजेशन करना होगा। ठीक है, तो यह था दोस्तों फर्स्ट अपडेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लेकर। और जो सेकेंड अपडेट आया है वो है कि आपके चैनल पर 365 डेज यानी 1 साल यानी 1 ईयर के अंदर कोई भी आप मान लीजिए कि 4000 घंटे के वॉच टाइम पूरा कर नहीं कर पाया, कोई भी कारण से हो सकता है आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका और आपने ऐसे ही सोच लिया कि मेरा चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम पूरा हो गया तो और कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। YouTube को फिर यह कहना है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद भी 365 डेज के अंदर अगर आपका चैनल पर 4000 घंटे के वॉच टाइम फिर पूरा नहीं हुआ तो फिर भी आपका चैनल जो मोनेटाइजेशन हो चुका था आपका डीमोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी 365 डेज यानी 1 ईयर के बाद आपका फिर से 4000 घंटे के वॉच टाइम पूरा करना होगा, नहीं तो आपका चैनल कभी भी डीमोनेटाइज हो सकता है। ये था दोस्तों सेकेंड अपडेट। और फर्स्ट अपडेट आपको तो समझ में आ गया कि आपका 6 महीने से इनएक्टिव नहीं होना है आपका चैनल पर, 6 महीने के अंदर कोई भी एक वीडियो भी आपको पोस्ट करना ही होगा, नहीं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। और सेकंड अपडेट जो है कि आपको 1 साल यानी 365 डेज के अंदर आपको चैनल पर 4000 घंटे के वॉच टाइम पूरा करना होगा, नहीं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। तो यह था दोस्तों मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लेकर 2 अपडेट जो YouTube की तरफ से आए हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका तो आप ध्यान से आप ये अपडेट को समझिएगा, अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ तो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूरी था क्योंकि आप यूट्यूबर हो तो आपको कभी भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा तब से आपको ये अपडेट काम पे आ जाएगा। तो यह था दोस्तों 2 अपडेट जो मैं आपको हिंदी में समझने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो इस तरह लेटेस्ट वीडियो हमेशा के लिए देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पर प्रेस करके रखिए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।